नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। 90 के दशक की वो सुपरहिट एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें हीरो नहीं बल्कि हीरोइन निकली विलन, पिला गई थी सबको पानी। आज हम आपके लिए लाए हैं 90 के दशक की बेस्ट थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म जिसने तब के समय में बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा दिया था। आज भी इस फिल्म को लोग खूब देखना पसंद करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में, जहाँ हीरो नहीं बल्कि हीरोइन विलन निकली और सबको पानी पिला गई। इस फिल्म का नाम है गुप्त द हिडन ट्रूथ। ये वही फिल्म है जिसमें बॉबी देओल छा गए थे। ये वही मूवी है जिसमें काजोल थी विलेन और मनीषा कोइराला के किरदार में जान लेने वाली थी। तो चलिए इस फिल्म की आपको कहानी, थ्रिलर और कलेक्शन के बारे में बताते हैं। गुप्त साल 1997 में रिलीज हुई थी, जिसे 90 के दशक की बेस्ट एक्शन थ्रिल फिल्म माना जाता है। फिल्म को राजीव रॉय ने डायरेक्ट किया था, जो कि मोहरा, प्यार इश्क और मोहब्बत से लेकर त्रिदेव जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले बॉबी देओल की जोड़ी रवीना टंडन के साथ बनने वाली थी। उन्होंने तो पोस्टर तक शूट करवा लिया था, फिर ऐन वक्त पर उनके हाथ से ये फिल्म निकल गई थी। गुप्त की कास्ट की बात करें तो इसमें साहिल सिन्हा के रोल में बॉबी देओल थे और ईशा दीवान के रोल में काजोल, जो कि फिल्म की विलेन निकलती है। फिल्म में मनीषा कोइराला, ओम पुरी, राज बब्बर, परेश रावल, अशोक सर्राफ जैसे लेकर दिलीप ताहिल और रजा मुराद जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी ऐसी जबरदस्त थी कि इसमें आपको भर भर कर सस्पेंस देखने को मिलता है और थ्रिलर भी। आखिर में जाकर पता चलता है कि साहिल यानी कि बॉबी देओल की गर्लफ्रेंड काजोल ही विलन निकलती है, जो उसकी सबसे प्यारी दोस्त शीतल को मारना चाहती है। शीतल का रोल यहाँ पे मनीषा कोइराला निभा रही है। जब साहिल इसे से पूछता है कि आखिर वह शीतल को क्यों नहीं मारना चाहती है, तब वह बताती कि उसने अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि साहिल उससे दूर हो जाए। अंत में ईशा दीवान मर जाती है, तो इस कहानी का दर्दनाक अंत होता है। फिल्म कलेक्शन की बात करें तो साल 1997 में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा दिया था। कहानी की वजह से और म्यूजिक की वजह से लोगों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।